है क्या? स्टार्ट करना, कर लीजिए। और पहला किक जर्सी नंबर 8 बूस्टर बांड्रा गोलकीपर को भेजा दाएं छोर पर और गेंद को भेजा बाएं छोर पर। क्या लाजवाब किक! यही है डायरेक्ट पेनल्टी की किक। अब सेकंड किक मुकेश अपने टीम के सेंटर मिडफील्डर की अहम रोल और अहम किरदार निभाते हैं लेगराडी के ऑप्शन मुकेश। और इन्होंने भी गोलकीपर को भेजा दाएं और गेंद को भेजा बाएं। क्या कर्सिवाले अंदाज में गेंद को डाला है, यानी चकमा देने में ये काफी महारत हासिल है। पिकपॉकेट जैसे को फैसा और तमाम यूट्यूबर अपने कैमरे पर इस दृश्य को कैद करते हुए मैदान के मध्य रेखा के करीब एक आकर्षण का दृश्य बनी हुई है। बिल्कुल आकर्षण का दृश्य, तमाम दर्शकों को आकर्षित कर रही है अपनी ओर। फिलहाल सेकंड की और गेंद को डाली हालांकि अच्छी जगह पर और गोलकीपर की डाइव भी आई उसी दिशा पर, लेकिन गेंद में इतनी गति थी और उस गति को भाप नहीं पाए गोलकीपर। और सेकंड स्कोर अशोका इंटरनेशनल फुटबॉल क्लब। अब लेजेंडरी ऑफ द फुटबॉलर अपने टीम के कप्तान यानी टीम के स्कीपर गोपी सोय जर्सी नंबर 7 माइक को एक्चा पूरे भोगिली कहते आखिर चेहरा ना लपन जर्सी नंबर 7 एक्चा भोगी फुटबॉलर तरह की गोपी सोय। और इतने और गोपी सोय का गेंद यहां पर सेव होता हुआ मैदानी गोल में और मैदानी खेल में ना जाने कितने गोल गोपी सोय ने करी है, लेकिन पेनाल्टी के इस शूटआउट में AIFC अशोका इंटरनेशनल फुटबॉल क्लब के गोलकीपर जितेंद्र लोहार 100 सोनार का और 1 लोहार का हथौड़ा गोपी सोय को भी नीचे धकेलता हुआ। यहां ये लोहार का हथौड़ा है भाई और गर्म लोहे पर हथौड़ा अगर लगाएंगे तो लोहे की आकृति में आपको परिवर्तित दिखेगा। और इस वक्त गोपी सोय की एक किक को बाहर का रास्ता दिखाता हुआ जितेंद्र लोहार। अब स्वयं एक गोलकीपर दूसरे गोलकीपर को ट्राई करता हुआ और ये शानदार किक और AIFC यानी अशोका इंटरनेशनल फुटबॉल क्लब ये सीधे सेमीफाइनल पर। और इससे पहले मैं कह दूं